वो वहां है। उस्मान, तुम चूहे पकड़ने वाले पिंजरे में फंस चुके हो। मेरे सिपाहियों का कातिल मेरे हवाले कर दो, मुझे गोक टोक चाहिए। तुमने उसे फरार करवाया है। फलातियोस, तुम्हारा सिपाही एक छोटे से खंजर से मर गया या फिर डरावने ख्वाब से? हाँ, तुम नहीं बच सकते उस्मान। गोक टोक को मेरे हवाले कर दो। कई बार सबक सिखा चुका हूं तुम जैसे गीदड़ों को, और अब तुम्हारी बारी है। तुम भी मरोगे, जरूर मरोगे। हो गया है सरदार। सलामत रहो। उस्मान गोक टोक को के हाथों की मुसीबत खत्म होने तक छुपा कर रखेगा, और के हाथों की मुसीबत साउची की कामयाबी के बाद खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या हुआ अब्दुल रहमान? हुजूर, बताओ मुझे। हुजूर, उस्मान। क्या हुआ उस्मान को? उस्मान, लगता है जमीन खुल गई और वो उसमें समा गया। हुजूर, इंशाल्लाह मेरे हुक्म के खिलाफ वो साउची के पीछे नहीं जाएगा। उस्मान, इंशाल्लाह ऐसी गलती नहीं करेगा। हुजूर, बेटा। बमसी साहब, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें उस्मान, नहीं छोड़ूंगा। मेरा उस्मान, मेरा बहादुर उस्मान। अचानक कैसे आ गए? कहां से चले आए? उसी देखो जो हमें बचाता है, जो पूरी कायनात चला रहा है। अर्तुरुल गाजी का बेटा उस्मान, लगता है फिर किसी मुसीबत को छेड़ दिया तुमने। आप कहां थे? तरस गया था देखने के लिए। चलो कबीले चलते हैं, मुझे तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है। चलो आ जाओ बेटा। एक फर्ज निभा रहा हूं, साउची भाई को इस वक्त मेरी जरूरत है। बक्से साहब,
अब्दुल रहमान गाजी ने मुझे सब बता दिया है, लेकिन उस्मान ऐसा ना करो कि तुमसे तुम्हारे बाबा के ताल्लुकात खराब हो जाए। चलो अब आ जाओ। बाबा को मेरा सलाम कहिएगा। भाईजान के ताकुब में सिपाही भेज चुका हूं, मैं उन तक पहुंच जाऊंगा। अब मुझे कोई भी चीज नहीं रोक सकती, मुझे जाना होगा। यहां को रोकने का वाहिद रास्ता माउंट को तलाश करना है। लेकिन तुम्हारे बाबा ने तुम्हें जाने से रोका है। मुझे पता है इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। मैं जानता हूं कि जो मैं करने वाला हूं, मैं और बाबा एक मुश्किल दौराहे पे खड़े होंगे, लेकिन मेरी रगों में बहता खून मुझे रुकने नहीं देता। सावजी भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारी रगों में दौड़ता खून कह रहा है या तुम्हारा नफ्स? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है बामसे साहब? बेटा उस्मान, मैं डरता हूं मैं उस्मान बेटा, क्योंकि तुम एक गहरी खाई में गिर रहे हो। बहुत से ताकतवर, बहुत से बहादुर शैतान के बिछाए हुए जाल में फंसकर तबाह हो चुके हैं, समझ रहे हो ना? बर्बाद हो गए वो सब। अजीम जंगजू बनने की ख्वाहिश ने बहुत से बहादुरों को तबाह कर दिया है। बेटा तुम्हारे दिल में तो कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है ना, बताओ? अगर बाबा की हुक्म अधूले अपने नफ्स की वजह से करूं मैं, तो वो आखिरी दिन होगा मेरे लिए। मेरी ही तलवार से मेरे टुकड़े कर दिए जाए। ठीक है फिर, जैसा तुमको भरोसा है मुझे तुम पर, आपसे हक तुम्हारा मददगार हो, जाओ। बामसी साहब, अगर मैं वहां से लौट कर ना आ सका तो बाबा से कह दीजिएगा कि वो मुझे माफ कर दे। बहुत उम्दा काम किया तुमने, दिल खुश कर दिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारे लिए कीमती हूं, मैंने तुम्हें कई लड़के दिए, अब तुम मुझे मेरे बाबा की लाश दोगे। मुझे बचाकर मेरे बाबा के गजब को पुरसुकून करोगे। तुम काइयों को एक बड़े कत्लेआम से बचाओगे, तुर्कों की नजरों में तुम्हारा सितारा चमक उठेगा। पता है इसका सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही पहुंचेगा। तुम्हारे बाबा की कब्र सऊद में होगी और तुम अपने बाबा के मकाम पर होगी। मेरे बाबा को कैसे मारोगे? तुम्हें पता चलेगा तो तकलीफ पहुंचेगी। मैंने अपने जमीर को मार दिया है अरसलान। मैं अपने मंसूबों के बारे में तुम्हें क्यों बताऊं? दीवारों के भी कान होते हैं। तुम अपने ख्वाबों के तख्त पर बैठने का सोचना शुरू कर दो। कौन जानता है, जब तुम अपने बाबा की जगह लो तो मंगोलों के खान बन जाओ। मैं चंगेज खान की औलाद में से हूँ, खान बनना मेरा हक है और तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। जब मैं अपनी रियासत बना लूं तो मेरे सामने नहीं, मेरे साथ खड़े रहना मेरे दोस्त। अब मुझे जाना चाहिए। पता करो कि साउची को यह जगह कैसे मिली। क्या कोई और भी इस जगह को जानता है? जानना लाजमी है ताकि हम में से कोई भी बेसर ना हो।
बेवकूफ, तुम्हारी बारी भी जल्द ही आ जाएगी। ले जाओ इन्हें यहां से, पहले मेरे बाबा को मारो, फिर तुम्हारी बारी है। मेरे भाई, हुजूर के साथ कुछ हो तो नहीं गया होगा? सिपाही थे तुम लोग, अब परेशान उल्लू लग रहे हो। बहुत वक्त हो गया, उस्मान साहब अभी तक नहीं आए। क्या तुम्हें उनसे बहुत प्यार है? अपनी जानों से भी ज्यादा। मैंने जो देखा, अगर वो ना देखता तो यकीन कर लेता। क्या हमसे कोई गलती हुई है कुमराल साहब? इंसान तो गलती का पुतला होता है, लेकिन तुम्हारी गलती बड़ी है। देखिए, हम पहले ही फंसे हुए हैं, हमारा शिकार ना करें। अगर कोई गलती हुई है तो हमें बताएं, ताकि हम उसे सुधारने की कोशिश करें। हुजूर के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते। तुम्हारा दिल कुछ और तुम्हारी जुबान कुछ और कहती है। तुम्हें पता है ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हम कब से मुनाफिक हो गए? बाज लोग कहते हैं कि वो मानते हैं, लेकिन वो हथियार नहीं डालेंगे। सुनो, कहीं उनमें से ना हो जाना तुम। जो प्यार करता है वो परेशान नहीं होता, शक में नहीं पड़ता, मायूस नहीं होता। हथियार डालने वालों के मकाम पे आ जाओ। और वो मकाम कैसे हासिल करें? जानता हूं मैं, पर बताऊंगा नहीं। तुम इस वक्त जलती हुई कड़ाई में गिर चुके हो, खुद पता कर लो। पहले थोड़ा सा जल तो लो। ये अपने सरदार को दे देना। अब मुझे जाना होगा, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। कुमराल अब्दाल, कहां जा रहे हैं आप? यार, अब हमारे जहनों में बरकत दे। ये रास्ता सही नहीं है मेरे भाई, अगर इस पर चलते रहे तो हमारा ठिकाना जहन्नुम होगा। तौबा करो मेरे भाई, तौबा करो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हुजूर। वालेकुम सलाम हुजूर। गुक्तुक, ठीक हो ना? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। मैं अब्दुर्रहमान गाजी का शुक्रिया अदा करने आया हूं। मैं जानता था दिलेर बाबा मेरी जान बाबा। अब्दाल साहब ने कहा था कि आपको दे दे।
ये क्या है हुजूर? ये रास्ता है शैतान की खो में जाने का। तो चलो फिर, भाईजान हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, आखिर तुम सामान क्यों उतार रहे हो? तो क्या करें दाऊद उस्ताद, कबीले के हालात ठीक नहीं है। मैं एक चीज भी बेच ना सका, अपना सामान कहीं और बेचने की कोशिश करूंगा। सबर, ये हम पर मुश्किल वक्त है, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? हमेशा की जद्दोजहद, कब हम पेट की फिक्र से आजाद होंगे? आखिर कहां जाओगे? मुझे क्या पता दाऊद उस्ताद, सुना ही आलक अरसलान के कबीले के हालात बहुत अच्छे हैं, मैं वहां कोशिश करूंगा। ये क्या कह रहे हो नाशुक्र इंसान, मुश्किल में हिम्मत ना हारो। तुम जानते हो मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है, मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुम यहां से गए तो मैं तुम्हें जला दूंगा। ठीक है दाऊद उस्ताद, क्या तुम्हारी ताकत मुझ जैसे गरीबों पे चलती है? तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? चलो रख दो अपना सामान। सामान नीचे उतारो, नहीं जाना कहीं। अरे बंसी साहब आ रहे हैं, बंसी साहब, अरे देखो खुशामदीद बंसी साहब। ओ बंसी साहब, खुशामदीद, 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 आपकी खैर हो बंसी साहब, खुशामदीद। आपको पैदा करने वाले भी कुर्बान। खुश रहे दाऊद उस्ताद। खुशामदीद, माशाल्लाह, खुश रहो। खुशामदीद, खुशामदीद साहब। खुशामदीद बंसी साहब। शुक्रिया, आपकी खैर हो। शुक्रिया तुम्हारा। मेरे हुजूर मुझे इजाजत दीजिए आने की। आ जाओ। रास्ता कहां जाता है? जन्नत की तरफ। मकसद क्या है? शहादत, सिर्फ शहादत। मेरे दिलेर जंगजू को देखो। हुजूर, मेरे हुजूर, मेरे भाई, आबाद रहे मेरे हुजूर, मेरे 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 प्यारे हुजूर, मेरे प्यारे भाई, हजरत थी, हजरत थी आपको देखने की। अभी लाखों ने आपको देख लिया तो मुझे सुकून मिल गया। मेरी रब से दुआ है कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए मेरे हुजूर। मेरा रब हमें आखिरत में भी इकट्ठा रखे। आमीन, आमीन, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। फिकर ना करें, आपका बांसी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका बांसी जनाब। अमानतों की क्या सूरत हाल है?
आपकी सारी अमानतें बिल्कुल महफूज हैं, आप उसकी फिक्र ना करें। जब वक्त आएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। सूरज दोबारा तुलू होगा मेरे भाई, हमारा वतन एक बार फिर उभरेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई। तो बम्सी, खुद को मत थकाओ। मैं जानता हूं हुजूर, उस्मान कहां है मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं भी जानता हूं। वो अपने भाई साउची के पीछे गया है और आप जानते हैं वो अपने भाई को लिए बगैर कभी वापस नहीं आएगा। हुजूर, क्या उसने अपने भाई के पीछे जाकर ठीक नहीं किया? बराए मेहरबानी मुझे बताइए। वो तो अपने भाई की मदद के लिए गया है। उसने मेरी बात नहीं मानी, मैं उसे खुद वापस लाया था, उसने फिर नाफरमानी की। अगर वो अपने बाबा और सरदार की बातों को नजरअंदाज करता है तो फिर जो जरूरी हुआ वो हम करेंगे। के बारे में कुछ सख्त फैसले करने का वक्त अब आ गया है। मेरी जिंदगी में अगर वो ये सब करता है तो कौन जानता है कि मेरे दुनिया से जाने के बाद पता नहीं वो क्या करेगा। हुजूर, हुजूर, उस्मान ने हद पार की है मैं जानता हूं, लेकिन उसकी नीयत साफ है। जहन्नुम का रास्ता नेकी के पत्थरों से हमवार है। अगर आप अभी उस्मान की जगह होते तो आप क्या करते? और आप जानते हैं कि उस्मान अपने भाइयों से कितनी मोहब्बत करता है। वो अपने बड़े भाई की मोहब्बत में गया है। मैं इसको नाफरमानी नहीं कहूंगा। उस्मान महज मेरे सरदारों में से एक सरदार है। हर सरदार अगर अपने ही रास्ते को सच समझकर चल पड़े तो कबीले का क्या होगा? तुम ये क्यों नहीं सोचते? हम जितनी जल्दी मुमकिन हो कबीले को मुनज़्ज़म करेंगे। जैसा आपका हुक्म हुजूर, जैसा आपका हुक्म। आबाद रहो। हमें अब अपने दिफा की तैयारी करनी है। वक्त बहुत कम है कि हाथू पता नहीं कब कहां कैसे हमला करें। दिफाई लकीर की तैयारी का फरीजा तुम्हारा है। जाओ तैयारियां शुरू करो। आपका हुक्म सर आंखों पर।
मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मजा आ रहा है? सूरत हाल का अब इल्म हुआ है मुझे। वो क्या? उस्मान पर इल्जाम लगाकर खुद को अगवा करवाया तुमने। हाँ, मुझे कैसे तलाश किया? इस तरह के खेल का क्या मकसद है? हाँ, मेरे भाई उस्मान पर इल्जाम लगाकर तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम्हारे बाबा गुस्से से मुश्तैल थे, अपने सिपाहियों के साथ सौत जा रहे थे वो। मैंने तुमसे पूछा मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें कैसे पता चला? क्या किसी और को भी पता है? तुम्हें डर है कि तुम्हारे बाबा को पता चल जाएगा मोंके? जितने तुम अपने बाबा से नफरत करते हो उतना उनसे डरते भी हो। सौत में तुम्हारे बाबा को कोई मार देगा है ना? छोड़ो मुझे। तुम अपने बाबा को मरवाओगे और उसका इल्जाम मेरे भाई उस्मान पर लगाओगे। चला बोलो, तुम्हें पता है? अगर तुम नहीं बोले तो क्या होगा? मैं बोलूं या ना बोलूं, तुम मुझे मार दोगे, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मुझे इस गलासत का नाम बता दो जो तुम्हारा मुआवन है। रस्सियों के साथ बांधो, इसकी मौत तकलीफ दे होनी चाहिए। मैं वैसे भी अब यहां नहीं रहना चाहता, जल्दी बांधो इसे। जड़ी बूटियों के साथ क्या कर रही हो लीना? हाँ बस, ये सब मेरी माँ ने सिखाया। ये मैंने नहीं देखी पहले कभी। ये हर दर्द की दवा है, इससे मैं एक नई दवा तैयार कर रही हूँ। हो सकता है इस दवा के इस्तेमाल से माँ बन सको तुम। क्या वाकई में ऐसे हो सकता है? क्या हो सकता है? इनकी खास जबान होती है, अगर इसे जान ले तो दवा आसानी से बन जाती है। इंशाल्लाह। क्या उस्मान साहब की कोई खबर आई? गुकतुक का जब उन्हें पता चला वो घोड़े पर निकल गए, अभी तक वापस नहीं आए। अर्तुरल साहब गुकतुक को कुछ नहीं होने देंगे, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, ये बात उस्मान भी जानता है। ये सच है, लेकिन फलातियूस जैसा जालिम इंसान इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। क्या तुम जानती हो उसे? Thank you.
गजल खातून, क्या बात है बोलो। अर्तुरुल साहब के खेमे से मिला है ये। आखिरकार अब ये बूढ़ा जल्द ही जाने वाला है। तैयार हो जाए भाईजान। इंशाल्लाह उस्मान साहब और साउची साहब दोनों खैर खैरियत से वापस आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि उस्मान अपने बाबा के हुक्म के खिलाफ नहीं जाएंगे। बाला बेटी, बात सुने खवातीन, हालात पेचीदा हो रहे हैं। क्या बात है गजल खातून, क्या आपने कुछ सुना है? क्या बंसी साहब कोई खबर लेकर आए हैं? गोकतुक जिंदान से फरार हो गया है। ये क्या कह रही हैं गजल खातून? सुनने में आया है कि इसके पीछे उस्मान का हाथ है। हमारे सरों पर पहले ही परेशानियां काफी नहीं थी, जो अब ये भी होना था। वो अपने बाबा की हुकूमत अदूली नहीं कर सकते हसल खातून, इसमें बात जरूर कुछ और होगी। बाला, हालात बिल्कुल वाजे हैं, अब इसमें कुछ और क्या हो सकता है? उस्मान साहब ने अपने सिपाही बुरान को लिया और अचानक गायब हो गए। आह बाला खातून, अपने शौहर को संभाल ना सकी, अब कुछ नहीं हो सकता। परेशानियां हद से तजावुज कर गई हैं। उस्मान ने जो किया अर्तुरुल साहब ने वो भी देखना है। क्या क्या कह रही हैं गजल खातून? उस्मान ने अगर ऐसा कुछ भी किया है तो जरूर इसकी कोई वजह होगी। बाला बेटी, मैंने बड़ी होने की हैसियत से तुम्हें बार बार खबरदार किया है, तुम्हें समझाया भी था शौहर को अपने काबू में रखना चाहिए, लेकिन तुम तो माशाल्लाह, तुम तो अपने शोहर को समझाने के बजाय अपनी जबान से हमें डसने की कोशिश कर रही हो। पहले मैंने आप पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि शैतान आपके दिल पर हावी है, आपके मुंह में शैतान की जबान है। बाला, अपनी सांप जैसी जबान को काबू में रखो, वरना मजबूरन मुझे काटनी पड़ेगी। अगर इतनी हिम्मत है तो काट कर देखें और फिर देखें मैं क्या करती हूँ। मैंने तुम्हें अपनी बहू और बेटी समझा, तुम मेरी नजरों से गिर गई हो बाला, जल्दी समझ जाओगी कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी बाला बेटी।